अब आगे आने आने वाला समय में फिर ये आएगा तो फिर और कुछ बढ़ाएगा। चाय बेच रहे हैं अब, या देसी बेचना शुरू कर दिया, ना कोई बिजनेस है ना कोई काम है। डेली खाने वाला अनाज जो है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आता, 8 साल हो गया, अच्छा दिन अभी तक आया नहीं। सिर्फ अमीरों लोग का काम हो रहा है, गरीब को कुछ भी काम नहीं किया मोदी जी। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे देश में जिस तरह से खाद्य पदार्थ पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, क्या ये सही है? तो अब चलते हैं लोगों के बीच, लोगों से जानते हैं कि भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से खाद्य पदार्थ पे टैक्स बढ़ा दिया है, आपकी क्या राय है? क्या इस बार आप नरेंद्र मोदी को मौका देंगे? तो चलते हैं लोगों के बीच, अब उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हर चीज़ में टैक्स लगा दिया है, आटा है, दही है, दूध है, छाछ है, तो ये GST जो लगाया गया है ये तो पब्लिक के ऊपर भारी पड़ रहा है ना। अब इसको मौका क्या देंगे, अब आगे आने आने वाला समय में फिर ये आएगा तो फिर और कुछ बढ़ाएगा। गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, हम लोग गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया अभी, तो हम लोग क्या मौका देंगे अब इसको? ऐसे कम कोई काम ही नहीं कर रहा तो क्या मौका दिया जाए इनको? ये तो बोले थे कि हम चाय बेच रहे हैं अब, या देसी बेचना शुरू कर दिया, ना कोई बिजनेस है ना कोई काम है। लोग बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है इस टाइम, इससे ज़्यादा बेरोजगारी कहीं नहीं है इस टाइम अपने देश में। नहीं, हम तो नहीं देंगे, बाकी कह नहीं सकते लोगों का, अपना अपना लोगों का है। ऐसा विकास दिख नहीं रहा, ना रोजगार है ना काम है, सब पढ़ लिख के लोग बेकार घूम रहे हैं लोग। इस बार खाद पे जो टैक्स बढ़ा हुआ है इसके बारे में तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन ऐसा अगर सरकार चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम से मोदी को आना मुश्किल ही रहेगा। मौका तो दिया ही जाएगा, हाँ बढ़ तो रहा है सब चीज़ का, उस पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, खास करके डेली खाने वाला अनाज जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें पब्लिक पर तो असर पड़ेगा, इनकम हो ही रहेगी और पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक आदमी का जो कमाने का एक तो जरिया है वो तो फिक्स हो गया, और दिन के दिन सामान का दाम बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक असर तो पड़ेगा ही ना। देखिए मोदी टोटल फैक्टर में मोदी का ये हाथ नहीं है, फैक्ट में जो टैक्स जो बैठा है वो देश के लिए अच्छा है, लेकिन खाद्य पदार्थों का ऊपर जो टैक्स बढ़ा है उसको हटा के दूसरा साइड में आप दीजिएगा तो वो असर जो डेली का यूज है उसको नहीं देके दूसरा सामान जैसे डायरेक्ट असर नहीं पड़े। सर बहुत ज़्यादा, अभी जैसे हम लोग कमाई धमाई में जैसे कि जो पेमेंट था वही पेमेंट है और खाद्य पदार्थ का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इससे हम लोग को परेशानी हो रहा है, महीना में हर दिक्कत हो रहा है, पेमेंट जो है वही है और खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, इसमें परेशानी हो रहा है हम लोग को। नहीं नहीं देंगे, नहीं इस बार मौका नहीं देंगे, हम लोग तो कभी नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे। इतना तरक्की हो रहा है काहे नहीं होगा, देगा मोदी को सपोर्ट करेगा ना, काहे नहीं करेगा, करेगा। हाँ हाँ, इतना विकास हो रहा है देश का, विकास को विकास पहले, देश का विकास पहले, उसके बाद में जनता है कि नहीं जी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जब सरकार दूसरी सरकार थी उस वक्त हम लोगों को ये पता नहीं था कि हम लोगों का मतलब विदेश में फॉरेन में क्या इज्जत है, अभी हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग का विदेश और दूसरे कंट्री में भी क्या इज्जत है, इसलिए ये तब से हुआ जब से मोदी जी आए हैं, इसलिए हर हर मोदी घर घर मोदी। देंगे जरूर देंगे, हाँ क्या करेगा, जो भी आएगा वो सही रहेगा, किसी को भी दे दीजिए बाद में सब वो सही रहेगा। हम लोग तो इतना साल से यही देखते आ रहे हैं, जो बैठ जाता है दूसरा पार्टी हल्ला करता है, लेकिन लास्ट में खींचतान के तो बात वहीं आ जाता है। हम लोग पब्लिक के लिए कुछ करे तब ना भाई कुछ, हाँ सब जो हम लोग को किसी से पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग देखता है जो पार्टी भी बैठता है सब लास्ट में खींचतान के वो मतलब
मिडिल क्लास का जो आदमी है उसी ऊपर बोझ पड़ता है। जो बढ़ गया है अभी टैक्स, जैसे आम आदमी को, जैसे या आपका जो मजदूरी करता है, बहुत मुश्किल से जीना पड़ रहा है अभी। अगर देखा जाए तो गैस जो उजाला जो किया वो, लेकिन फ्री में तो दे दिया, फ्री में दे दिया, लेकिन अभी जो आदमी लोग को अभी गैस खरीदने में दिक्कत हो रहा है उन लोग को, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए बहुत आदमी हमने खरीदा नहीं, तीन हज़ार करोड़ शायद अभी नहीं लिया जैसे लगता है उन लोग को, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब फिर अभी बोल रहा है BPL जो है वो तीन को देंगे बोल रहा है फ्री में, लेकिन वो क्या होगा वो भी तो कुछ पता नहीं है। और हम लोग को जो अभी GST लगा है, हर चीज़ में GST, खाने में, पीने में, पानी में, दूध में, दही में, हर चीज़ में लग रहा है, पहले वो चीज़ नहीं था। वो तो अच्छा, तो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवार के लिए या गरीब लोग के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नहीं, अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा देखना चाहिए, गरीब लोग को थोड़ा देखना चाहिए था वो कैसे वो लोग अच्छा से जिए। जैसे मैंने आएगा, मैंने आएगा बोले थे क्या, वो अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आता, 8 साल हो गया, अच्छा दिन अभी तक आया नहीं अभी तक। अच्छा दिन वो तो देखते हैं, जो कॉरपोरेट लोग को या बिल्डर लोग को, वही लोग को सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। वो जो किसान लोग जो 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 जो कर्ज लेते हैं, वो लोग कभी माफ़ नहीं करते हैं वो। लेकिन जो बड़ा बड़ा जो करोड़ों लाखों रुपया या हज़ारों करोड़ लेते हैं, वो लोग को माफ़ कर देते हैं, वो थोड़ा उसमें गड़बड़ है उन लोग का। हाँ, पीने में तो कम से कम टैक्स नहीं लगाना चाहिए था सरकार को, ये चीज़ गलत है, इसे तो समर्थन हम लोग नहीं देंगे, इसके लिए गलत चीज़ है। और चीज़ें बढ़ाया कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चीज़ में नहीं बढ़ाना चाहिए था। नहीं, इस बार दिक्कत है, इसको हटाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। ठीक है, सरकार को तो विचार करना चाहिए, हम इतना महंगाई बढ़ जा रहा है तो आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत ही है। हाँ, मौका तो दे गए, नहीं घाटा है सरकार, नहीं घाटा है इस चीज़ का, दाम घटा है। मोदी जी रहा है कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी तो अच्छा ही काम कर रहा है। मौका तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग सोच के ही दिया जाएगा, और क्या मौका देंगे। मतलब अगर हम लोग को कुछ देखते हैं मोदी सरकार तभी कुछ कर सकते हैं, उसका हम लोग आगे कुछ और बोल तो नहीं सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। गरीब को अगर देखेंगे तो कुछ मौका मिलेगा, और गरीब को नहीं देखेंगे तो मौका, अगर नहीं देखते तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, सीधा सी बात है सर। अगर हम लोग को पीछे, अगर गरीब लोग को पीछे सोचते हैं मोदी सरकार तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो 10 साल से मैटर ऐसा है ना सरकार, 10 साल से पहले आदमी पर भरोसा दिए थे मोदी जी, भरोसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अमीरों लोग का काम हो रहा है, गरीब को कुछ भी काम नहीं किए मोदी जी, क्या किए गरीब के लिए। आज गरीब लोग को, यहाँ आदमी को हालत ख़राब है, आटा चावल में हर चीज़ में रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ में हम लोग तो ड्राइवर हैं, हम लोग अभी एक पार्ट्स खरीदें जो 2 रुपये का सामान था वो भी 5,000-10 रुपया भी पड़ रहा है। हम लोग का ऐसा होने से हम लोग भी मोदी जी का संभव नहीं कर सकते, अगर हम लोग को पीछे सोचेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मौका अगर हम लोग को पीछे सोचेंगे तभी देंगे, नहीं तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, सीधा सी बात है। तो आपने सुना कि जिस तरह से कई लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग मौका नहीं देंगे, कारण कि जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं। एक टर्म मौका दिया गया, 2 टर्म मौका दिया गया, लेकिन जिस तरह से जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है अडानी का, हो रहा है अंबानी का, हो रहा है यानी बड़े घरानों का हो रहा है। तो इनका कहना है कि इस बार हम लोग मौका सोच समझ कर देंगे, अभी हम नहीं कह सकते हैं क्या होगा, लेकिन जिस तरह से जो काम चाहिए था, विकास चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। तो फिर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, और उनसे भी बात करते हैं कि इस तरह से खाद्य पदार्थ पे जो टैक्स बढ़ गया है, क्या ये सही है, क्या इस बार मोदी को मौका देंगे कि नहीं देंगे। अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।